हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। आज की हमारी जो क्लास है वो हमारी है ईडीएम्स के ऊपर। देखो, ईडीएम्स ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें ईडीएम्स के एक प्रश्न ना आते हों, इसलिए ये एकेडमिक और कंपटीशन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम देखते हैं कि ईडीएम्स क्या होती हैं। तो ये जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो देखो, हम ये देखना चाहते हैं कि ईडीएम्स है क्या, तो ईडीएम्स की डेफिनेशन से क्या है। देखिए, तो ईडीएम डिनोट्स एनी स्पेशल यूज ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स दैट इज पेकुलर टू अ लैंग्वेज। यानी ईडीएम्स एक ऐसे विशेष शब्दों का एक समूह है जो कि उसकी लैंग्वेज को विशेष बना देते हैं। एक और डिफरेंस देखिए, ऑल लैंग्वेजेस हैव सर्टेन एक्सप्रेशंस विच आर पेकुलर टू देम। यानी सभी भाषाओं के अंदर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो कि उसके लिए विशेष होते हैं। दे लैंड ब्यूटी एंड फिटनेस लैंग्वेज, जो कि उसकी सुंदरता प्रदान करते हैं उसकी लैंग्वेज को या उसको अच्छा बनाते हैं। सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड ईडियम्स। ऐसे ही एक्सप्रेशनों को हम ईडियम्स कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं इनको मुहावरे। यानी ये ईडियम्स देखने में कुछ इनका अर्थ होता है और उनका आंतरिक अर्थ कुछ होता है। देखने में शाब्दिक अर्थ कुछ अलग लगेगा और उनका छुपा हुआ अर्थ कुछ अलग होता है। तो पहले देखो, ईडियम्स बताने का हमारा तरीका कुछ अलग है। तो पहले हम आपको ईडियम्स जो बताएँगे वो है एंकर के ऊपर। एंकर के, जैसे आप जानते हो, एक लंगड़ होता है तो जहाज़ को रोकने के लिए डाला जाता है। यानी एक तरह से एंकर का मतलब है किसी की सहायता करना। तो पहला हमारा आइडियम्स है आशीट एंकर। आशीट एंकर का मीनिंग है समवन हेल्पफुल इन ट्रबल, किसी की परेशानी में कोई चीज़ सहायता करने वाली। तो जैसे कि इसका यूज होगा, माई फ्रेंड सुधीर प्रूव टू बी आ शीट एंकर फॉर मी इन माई बैड डेज। यानी मेरे मित्र सुधीर ने मेरी सहायता करके ये सिद्ध कर दिया कि वो मेरी अच्छा दोस्त है हमारा, मुसीबत के समय में उसने मेरी सहायता की है। अब दूसरा वर्ड हमारा है ऐप। ऐप का हिंदी जो वास्तविक अर्थ है वो होता है लंगूर। तो उसका पहला यूज देखिए हमारा है टू गो ऐप। तो इसका मतलब है टू स्टार्ट बिहेविंग क्रेजीली, यानी उन्मादी, पागल जैसी हरकत करने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं गो टू ऐप। तो इसका यूज देखिए, हैव यू गॉन ऐप, यानी क्या तुम पागल हो गए हो। दूसरा है सी हैज गॉन ऐप, वह पागल हो गई है। तो यानी कोई व्यक्ति जो पागलों जैसी हरकत करता है उसको हम कहते हैं गो ऐप, यानी पागल हो जाना। नेक्स्ट हमारा है एन एप्स एन ऐप। यानी इसका जो मीनिंग है वो है वन कैन नॉट चेंज हिज हैबिट, यानी कोई अपनी आदत को नहीं बदलता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो इसका यूज हमारे कहेंगे डोंट ट्राई टू टीच हिम गुड हैबिट्स एन एप्स एन ऐप। यानी उसे अच्छी बातें सिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जैसे पाकिस्तान है, अब हम उसे अच्छी बात सिखाने की कोशिश करते हैं, उसको बेकार है, वो दुष्ट है, तो जो जैसा है वो वैसा रहेगा। जैसे हम कह सकते हैं डोंट ट्राई टू टीच पाकिस्तान अ लेसन ऑफ ह्यूमनिटी बिकॉज एन एप्स एन ऐप। यानी पाकिस्तान को मानवता का पाठ मत सिखाइए, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा है टू ग्रिम लाइक एन ऐप। टू ग्रिम लाइक एन ऐप, इसका मीनिंग है टू स्माइल वाइडली और स्टूपिडली, यानी कि जोर जोर से हंसना, मुंह फैला करके हंसना, तो ये इसका मीनिंग है। अब इसका यूज क्या से देखें, वाई आर यू ग्रिम लाइक एन ऐप, वाई आर यू ग्रिम लाइक एन ऐप, यानी तुम ये पागलों की तरह क्या मुँह फैला के हंस रहे हो। दूसरे नेक्स्ट यूज हो रहा है किसका, शी इज ग्रिमिंग लाइक एन ऐप, यानी वह पागलों की तरह हंस रही। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एप्पल। अब एप्पल के ऊपर कुछ ईडियम्स हैं,
उनको हम आपको बता रहे हैं। तो पहला हमारा है एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है वेरी डियर, बहुत प्यारा, आँखों का तारा। इसका यूज़ देखिए, मोहन इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आईज, मोहन इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, यानी मोहन अपनी माँ की आँखों का तारा है। या दूसरा कह सकते हैं, कविता इज एन एप्पल ऑफ हस्बैंड्स आईज, यानी कविता अपने पति की आँखों का तारा है। तो इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट यूज है द एप्पल नेवर फॉल्स फ्रॉम द ट्री, द एप्पल नेवर फॉल्स फ्रॉम द ट्री। तो इसका मतलब है जैसे माँ बाप वैसे ही उसकी संतान। तो इसका कहेंगे इसको लाइक पेरेंट्स लाइक सन्स, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। तो इसका यूज करेंगे ही इज एज वाइज एज हिज फादर, बिकॉज क्योंकि यानी वह उतना बुद्धिमान है जितना कि उसके पिताजी हैं, क्योंकि द एप्पल कैन नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री, क्योंकि जो एप्पल है जो पेड़ से गिरता है वो पेड़ से अलग नहीं गिरेगा, पेड़ की जो लिमिट है उसी के अंदर गिरेगा। इसलिए जो उसके बच्चे हैं वो अपने माँ बाप जैसे होते हैं, वो उससे बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन कभी कभी आजकल कुछ दुष्ट होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है टू चूज इन रॉटन एप्पल्स, टू चूज इन रॉटन एप्पल, इसका मतलब है टू चूज व्हेन ऑल थिंग्स आर बैड, यानी कि बुरी चीज़ों में से चुनाव करना। रॉटन होता है सड़ी हुई, खराब। तो चूज इन रॉटन एप्पल, सड़े सेवों में से कोई चीज़ चुनना, ऐसी जो बुरी चीज़ है उनमें से कोई चीज़ चुनना। तो ये एक इसका यूज करेंगे, देयर इज स्मॉल चॉइस इन रॉटन एप्पल, यानी खराब चीज़ों में बहुत कम चॉइस होती है, यानी वैसे ही खराब है पहले से, उसमें तुम क्या चुनोगे, इसलिए इसको इडियम्स बनाया गया। नेक्स्ट हमारा है टू अपसेट समवंस एप्पल कार्ट, टू अपसेट समवंस एप्पल कार्ट, इसका मतलब है टू स्पॉइल समवंस प्लान, यानी किसी के प्लान को नष्ट कर देना या बर्बाद कर देना। इसका यूज होगा यू हैव अपसेट माई एप्पल कार्ट, तुमने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया है, अपसेट कर दिया है। अब हमारा है नेक्स्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मीन्स है इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी बिल्कुल ठीक ढंग से सुव्यवस्थित। जैसे द स्टूडेंट वर सिटिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी बच्चे बिल्कुल सभी क्रम से बैठे गए हैं। तो जैसे कोई बाहर चला जाता है और जब आता है तो सभी चीज़ों को सही पाता है, तो वो कहता है कि आई फाउंड ऑल द थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, कि मैंने सभी चीज़ों को सही ढंग से पाया। और नेक्स्ट हमारा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वारल। तो इसका देखिए, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। या दूसरा कह सकते हैं, किसी के परिवार में कोई व्यक्ति है झगड़े की जड़ है, तो जैसे कि राम की पत्नी परिवार में झगड़े की जड़ है, तो राम्स वाइफ इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन द फैमिली। अब नेक्स्ट हमारा है एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, तो इसका मीन्स है द प्रोजेक्शन इन फ्रॉम ऑफ द इन फ्रंट ऑफ द थ्रॉट, यानी गले के ठीक सामने का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, इसको हिंदी कहते हैं टेंटुआ, गले में सामने होता है टेंटुआ उसको कहते हैं। तो इसका यूज होगा ही प्रेस्ड माई एडम्स एप्पल विद हिज बोथ हैंड्स, क्योंकि उसने मेरे टेंटुआ को दोनों हाथों से दबा दिया। अब नेक्स्ट हमारा है अ रॉटन एप्पल इंजर्स इट कंपेनियन, तो इसका मीनिंग है अ बैड मैन मेक्स हिज फ्रेंड बैड, यानी एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसकी यही कहेंगे इसको, तो जैसे कि एक आदमी अगर गंदा है और उसके साथ जो भी बैठेगा वो सबको अपनी कंपनी से प्रभावित कर देगा। तो इसका यूज होगा
कि डोंट प्ले विद हिम, ही इज़ अ बैड बॉय बिकॉज अ रॉटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियन, यानी उसके साथ मत खेलो या मत बैठो क्योंकि बुरा लड़का है और दूसरों को भी वह अपने जैसा बुरा बना देगा, यानी एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और नेक्स्ट हमारा है वॉर्म इन द एप्पल, वॉर्म इन द एप्पल यानी समवन और समथिंग स्पॉइल अ गुड सिचुएशन और डिस्ट्रॉय इट वाई डिग्रीज, यानी कोई चीज़ कोई व्यक्ति किसी चीज़ को स्थिति को बिगाड़ देता है और धीरे धीरे उसको नष्ट कर देता है। तो उसका यूज होगा कि मिसट्रस्ट इज द वॉर्म ऑफ एप्पल ऑफ लव, यानी मिसट्रस्ट माने अविश्वास, प्यार में अविश्वास एक तरह से जो क्या है वॉर्म ऑफ एप्पल है, यानी प्यार में अविश्वास एक तरह से वॉर्म इन द एप्पल है, यानी सेब के अंदर कीड़ा है, ये सेब के अंदर कीड़ा होता है तो कीड़ा धीरे धीरे क्या होगा सेब को नष्ट कर देगा। ऐसे ही हमारे प्यार के अंदर अगर अविश्वास है तो हमारा प्यार बेकार हो जाएगा, इसीलिए पूर्व बनी है। तो इनको पढ़िए, ये कंपटीशन में काम आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।